बड़ी कामयाबी। INS विक्रांत में तेजस की कराई गई लैंडिंग। देसी पोत पर देसी विमान की सफल लैंडिंग। इंडियन नेवी के लिए स्वदेशी INS विक्रांत को कमीशन करने के करीब 4 महीने बाद स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस की इस पर सफल लैंडिंग कराई गई। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने एक और माइलस्टोन क्रॉस किया है। INS विक्रांत की पहली बार एक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग की है। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस का नौसेना के लिए डिजाइन किया गया वर्जन समुद्री परीक्षणों के हिस्से के रूप में INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड किया गया है। इस बात की जानकारी इंडियन नेवी ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। इंडियन नेवी ने ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में तेजस को INS विक्रांत पर लैंड करते हुए देखा जा सकता है। इंडियन नेवी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है, इंडियन नेवी ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन अचीव किया है। पायलट ने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की INS विक्रांत के बोर्ड पर लैंडिंग की। इंडियन नेवी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि भारत की आत्मनिर्भरता की ओर इसे एक बड़ा कदम बताया गया है। नेवी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, यह सफल लैंडिंग स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के साथ स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन, डेवलप, कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट करने की भारत की क्षमता को दिखाता है। 45,000 टन वजनी INS विक्रांत को पिछले साल सितंबर में इंडियन नेवी के लिए कमीशन किया गया था। इसे बनाने की कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए आई है। इसकी लंबाई 262 मीटर है और चौड़ाई 62 मीटर है। यह भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा वॉरशिप है। INS विक्रांत एक साथ 30 एयरक्राफ्ट को लेकर चल सकता है। इन एयरक्राफ्ट में MiG-29K के साथ साथ फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, INS विक्रांत पर एक साथ 1600 लोगों का क्रू चल सकता है। करीब एक दशक की कड़ी मेहनत के बाद भारत में इसे बनाया गया है। INS विक्रांत का नाम इसके पहले इस्तेमाल किए जा रहे युद्धपोत के नाम पर रखा गया है। बता दें कि पुरानी INS विक्रांत ने 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जंग में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।